Assalamualaikum, welcome or welcome back to my channel. In today's video, we are doing saree haul. मैंने मीशो से बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल साड़ी परचेज किए, मतलब 200, 300 और 400 की साड़ीज़ है. ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स इट्स यू नो 700 के अबव कोई साड़ी नहीं है. तो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. और या आज का जो वीडियो है इसमें मैं साउथ इंडियन साड़ी आपको दिखाने वाली हूँ कि एकदम यू नो ब्राइड्स मेड्स ब्राइड्स भी पहन सकती है. एकदम कांचीपुरम साड़ी है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है. और फैंसी साड़ी ट्रेडिशनल साड़ी दोनों ही मैं ये वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. जो मैंने देख के परचेस किया तो उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे दे दूंगी और वो मुझे कैसा मिला, पहनने के बाद कैसा लग रहा है, सब मैं आपको डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ. चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. हैवीली हेयर तो जो भी आपको बैकग्राउंड आवाज़ आएगी वो प्लीज़ इग्नोर करना एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो साड़ी मैंने परचेस किया वो मैंने ये देख के परचेस किया था. एंड यू गाइज ये आलिया भट्ट इंस्पायर्ड साड़ी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. सो दिस इज़ वॉट आई ऑर्डर्ड. सारे ही कलर्स थे इसमें, रेनबो कलर जैसे. एंड दिस इज़ वॉट वी रिसीव्ड. इसमें हम लोग को ब्लाउज पीस आ गया. दिस इज द ब्लाउज, ठीक है. ब्लाउज इसकी ये है, इसमें ऐसा लेस लगा हुआ है. ब्लाउज आपको अपने हिसाब से स्टिच करवा लेना है. एंड ये कुछ इतनी इसकी लेंथ है, मतलब 1 मीटर होगा ये, ठीक है. 1 मीटर की आपको साड़ी आ जाती, मतलब ब्लाउज आ जाता है. तो लेट्स कीप दिस असाइड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग, साड़ी. साड़ी पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है, वाओ इट्स ब्यूटिफुल. इसका जो मटेरियल है ना, ये बहुत ही कोई सॉफ्ट और गुड क्वालिटी साड़ी है. पूरी साड़ी में आपको ये ऐसा यू नो लेस बॉर्डर मिल जाता है और इसके बीच में भी आपको ऐसे सारी चीज़ें मिल जाती है. अवॉइड बैकग्राउंड गाइस बिकॉज यहाँ मैं बहुत लेट आज शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ बेयर विथ मी. पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है, लाइक वाओ आई लव द क्वालिटी एंड द ओवरऑल लुक. Just look at this. This is so beautiful. इस साड़ी में you guys can see बहुत सारे एकदम रेनबो कलर जैसी साड़ी है ये. इसके जो ये सब पल्लू पार्ट है ये सारे जिसमें लेस लगी हुई है, बाकी जो पीछे का साइड है ना वहाँ पे ऐसी फुल लेस नहीं दी गई है. ये साइड में फुल लेस नहीं है. पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट नो हाउ टू वेयर साड़ी बट कैसे भी मैंने मैनेज करके यू नो यहाँ पे साड़ी पहन के दिखा रही हूँ आपको. लेट मी नो आपको ये साड़ी कैसी लगी. आई एक्चुअली लव्ड इट. और ये इतना सस्ता है, ये आपको 500 समथिंग का पड़ जाएगा. इसका जो प्राइस है वो मैं स्क्रीन पर मैंशन करी हूँ, यू गाइस कैन सी. डेफिनेटली चेक दिस आउट. बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है. मैंने इसको अभी के लिए ऐसे एक टी शर्ट के साथ में पेयर किया है. आप अच्छे से इसका ब्लाउज सिलवा के मैचिंग जब ब्लाउज के साथ पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. मूविंग फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट साड़ी. एक तो मैंने आपको ये फैंसी साड़ी दिखा दी, नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रेडिशनल साड़ी. ट्रेडिशनल साड़ी के लिए मैंने ये परचेस किया है. अभी ओनम आने वाला है तो आई वॉज लाइक ये यूज हो जाएगा. सो दिस इज वॉट आई ऑर्डर्ड. एंड यू गाइज वोंट बिलीव आई रिसीव द सेम साड़ी. जस्ट लुक एट दिस. एकदम गोल्ड की साड़ी है. पहनने के बाद में तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है. इसमें पूरा ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है. जब मैंने देखी है मतलब एक बड़े लुक की साड़ी है बट नहीं, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. इससे ना आपको यू नो एकदम कोई भी स्किन टोन को बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा. एकदम फेयर फेयर एकदम प्यारे प्यारे लगोगे. इसमें बहुत ही अच्छे एकदम लाइटन अप कर देता है आपका स्किन टोन. आई लव दिस. बहुत प्यारा लग रहा था बट द ओनली प्रॉब्लम इज इसको वॉश करने के बाद मैं आई गेस ये थोड़ा सा यू नो पतला हो जाएगा. अभी एकदम कड़क 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 खड़ा हुआ है, लेकिन यू नो इट्स वेरी हार्ड एंड हार्श. और अगर आप स्ट्रेटनर की मदद से इसको अच्छे से जो फ्रंट में जो लूप्स आती है ना उसको अगर आप स्ट्रेटनर की मदद से अच्छे से प्रेस करोगे तो वो अच्छा लगेगा. अभी मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया है. इसमें भी ऐसे बॉर्डर मिल जाता है, यू गाइस कैन सी. ब्लाउज भी मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो ब्लाउज पहन के आपको दिखा रही हूँ. तो या आई ट्राइड माई बेस्ट. मैंने बहुत मेहनत की ऑफ कैमरा इसके लिए, तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना इसमें. इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. ये एकदम टिश्यू जैसा कपड़ा है, एकदम नेट जैसा है, मतलब यू गाइस कैन सी कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है. तो या पहनने के बाद में ये अच्छा लगता है. इसका जो ब्लाउज है ना ये इसी के अंदर है, इसी के अंदर से हम लोग को काटना पड़ता है. कोई एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नहीं आया है. एंड इसको कैसे कट करते हैं नॉर्मल मुझे नहीं पता. आई विल गिव टू टेलर एंड देन विल सी. मे बी इन ओनम आई विल ट्राई टू यू नो स्टाइल दिस. सो ये दो तो थे हमारे साड़ी. नेक्स्ट साड़ी, नेक्स्ट साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. इट्स अ ब्लैक एकदम फेयरवेल टाइप की जैसे साड़ी. अगर आपका कोई फेयरवेल है, फंक्शन है, कहीं पे भी आप ये पहन सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है. पार्टी वेयर है ब्लैक एंड
पूरा ब्लैक साड़ी में व्हाइट कलर का स्टोन लगा हुआ है. दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड एंड दिस इज व्हाट वी रिसीव्ड यू गाइस. इसका वर्क बहुत ही ज़्यादा प्यारा है एंड फॉर द प्राइस रेंज मतलब 350-400 का कुछ मुझे ये आया है. अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज आई डोंट नो ये कितना अच्छा मिल गया है मुझे. इनको परवड़ता कैसा है यू नो कि मतलब 400-300 में इतना सारा 5 मीटर का ये साड़ी हो गया और इतना अच्छा इसमें डिटेलिंग दी गई है. पल्लू एवरीथिंग इज सो गुड यू गाइस कैन सी इन द वीडियो. साथ में इन्होंने ब्लाउज भी दिया है. ब्लाउज एकदम मतलब कड़क कपड़ा जैसा है. 1 मीटर का ब्लाउज मिल जाता है. यू गाइस कैन सी अच्छा खासा इसमें ब्लाउज का कपड़ा है. वेट आई विल शो यू. इट्स वेरी लॉन्ग. अच्छा मिला है मुझे इसका. ये तो ब्लाउज आ जाएगा अगर आप सिलवाओगे तो. एंड यस इसको मैंने व्हाइट इनर के साथ में पहना है बिकॉज आई वेयर मॉडेस्टली. ठीक है आई एम नॉट अ साड़ी पर्सन पर या ये वीडियो के लिए आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड. पहनने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा है. यू गाइस कैन सी द डिटेलिंग. मैं आपको पास से दिखा रही हूँ. पूरा स्टोन इतनी अच्छी से स्टिक हुआ है ना कि इट वोंट कम ऑफ इजीली. आई लव द क्वालिटी. आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो बट जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड क्योंकि ऑल ओवर यहाँ पे स्टोन लगा हुआ है. वैसे तो अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है बट निकल गया तो बोल नहीं सकते इतने सस्ते में जो मिला है. आई लव दिस वन. पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. लेट मी नो आपको ये कैसा लगा. मूविंग फॉरवर्ड टू अगेन अ ट्रेडिशनल साड़ी. मतलब मैंने एक आपको फैंसी दिखाऊंगी फिर ट्रेडिशनल फैंसी फिर ट्रेडिशनल ऐसे करता है. नेक्स्ट मैंने अगेन एक ट्रेडिशनल साड़ी परचेस किया वो ये है. ये एकदम खादी टीचर लोग डॉक्टर लोग ज़्यादातर पहनते हैं मैंने देखा है. तो आई थॉट इट्स ट्राई दिस आउट और ये एकदम साउथ इंडियन वाइब लग रहा था मुझे. सो आई ऑर्डर्ड दिस वन एंड दिस इज वॉट वी रिसीव. यू गाइस कैन सी द कलर कॉम्बिनेशन. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. ऑल्सो जो इसकी जो पल्लू साइड है ना पल्लू साइड में ऐसे येल्लो कलर का ऐसा यू नो लटकन जैसी लगी हुई है. पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है. मटीरियल जो है ना इसका खादी मटीरियल है. ठीक है वो एकदम जैसे आप लगाओगे वैसे ही टिकेगा. आपको कोई ज़्यादा सेफ्टी पिन की ज़रूरत नहीं है. तो ये मुझे पेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई. यू गाइस कैन सी इन दिस वीडियो. बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैंने लगाया वैसे रह गया. मेरे पास ब्लाउज नहीं था गाइस. मेरे पास ब्लाउज नहीं था. ब्लाउज इसी में आ जाता है. हम लोग को कट करके निकालना है उसको. मैंने नहीं निकाला. मैंने ऐसे ही इसको रैप करके पहन के दिखा रही हूँ. तो 5 मीटर की साड़ी में 6 मीटर वाले मैंने साड़ी पहना है. नॉर्मली साड़ी 5 मीटर होती है पर या क्योंकि इसी में 1 मीटर का ब्लाउज भी है जो हमें कट करवाना पड़ता है. मुझे नहीं आता था तो मैंने ऐसे ही पहन लिया. इसके साथ मैंने नेवी ग्रीन कलर का ऐसा ना आर्मी ग्रीन कलर का ऐसा टी शर्ट पहन लिया है जस्ट टू पेयर विद इट. एंड आई लाइक द क्वालिटी. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. कॉटन मटेरियल है. एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छा है. जो लोग एवरीडे साड़ी पहनते हैं या फिर ऑफिस हो गया वर्क हो गया वैसा पहन सकते हो. पार्टी वेयर तो मैं नहीं बोलूँगी बट इफ़ आप ब्लाउज थोड़ा हैवी करते हो तो ये पार्टी वेयर हो जाएगा. I love the color combination, you know, इस indigo blue और ये ऐसा green color बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे. Moving forward to our next साड़ी. साड़ी ये मैंने last video आपको दिखा चुकी बट फिर से दिखा रही हूँ. मैंने next आलिया भट्ट साड़ी परचेस किया है. मीशो से अंडर ₹700 मतलब 600 समथिंग का मुझे ये साड़ी पड़ गया था. सेम टू सेम साड़ी मुझे 600 के मतलब 600-700 में पड़ गया है. वाओ लुक एट दिस एंड दिस सेम टू सेम साड़ी है. इवन इसमें जो लेस लगा हुआ है ना ये भी सेम है. लाइक वाओ जस्ट लुक एट दिस कितना कोई प्यारा है. पहनने के बाद में ये कुछ ऐसा लगता है. मैंने इसके साथ में ये पहन के पिक्चर्स भी क्लिक किए. पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. मतलब ऐसा ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाता है इसका पूरा. बहुत सारे कलर्स है इसमें एंड ये करंट ट्रेंडिंग साड़ी है और आपको इतने अच्छे प्राइस में अगर मिल रहा है तो क्या ही बुराई है. ऑल्सो गाइस इसके साथ में आपको ब्लाउज भी मिल जाता है. सेम जैसा आलिया भट्ट ने पहना था वो ही ब्लाउज है. ब्लू कलर का ब्लाउज कपड़ा बहुत ज़्यादा यू नो शियर है. अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है पर काम चला हुआ है. आप अंदर आपको लाइनिंग लगा के आप ब्लाउज सिलवा सकते हो. इफ़ यू आर समवन जो शॉर्ट ब्लाउज सिलवाते हो देन इट्स ओके यू कैन स्टाइल विद इट. बट इफ़ यू आर समवन जिसको मॉडर्न ब्लाउज चाहिए देन ये बस नहीं बढ़ेगा. इट्स वेरी लेस. सो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. साड़ी इज अमेजिंग. मुझे तो भाई क्वालिटी बहुत अच्छी लगी. मैंने आस माई मदर इन लॉ की यू नो ये साड़ी कैसी लगी मुझे इतने सस्ते में मिल गया 600 का कुछ मिल गया. सो शी सेड उनके ज़माने में ये फैशन था
तब बहुत सस्ते में मिल जाता था, 400-500 की साड़ी होती थी ये सारी, मतलब 400-500 देना चाहिए था एंड 700 के अराउंड, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मेरी मदर इन लॉ को। बट या मैं दोनों का फीडबैक दे रही हूँ, मुझे तो भाई सही लगा बट अकॉर्डिंग टू माई मदर इन लॉ इट्स नॉट वर्थ इट, प्राइजेस हाई उनके हिसाब से, पर मुझे तो भाई सही लगा है क्योंकि लेस भी लगा हुआ है और आपको घर पे होम डिलीवरी मिल रहा है। अगर पसंद नहीं आता तो आप इजीली रिटर्न भी कर सकते हो, क्या ही बुरा है। मुझे मैं तो रख रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो या लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ ताकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको ये वीडियो बोरिंग लगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना फास्ट फास्ट कर रही हूँ। सो नेक्स्ट जो मैंने साड़ी परचेस की, ये मैंने ये देख के परचेस किया था, ये लाइक मैं केरला में रहती हूँ, केरला में तो एकदम ट्रेडिशनल साड़ी है ये, ब्राइड्समेड हो ब्राइड हो हर कोई ऐसी साड़ी पहनता है, इसको बोलते हैं पट साड़ी, आई डोंट नो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको पट साड़ी बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट आई ऑर्डर This is what we received. ये मुझे 500 something का मिल गया एंड यू गाइज लुक एट द क्वालिटी। यू गाइज वीडियो में ये कुछ ऐसा लग रहा था, मतलब फोटो में ये कुछ ऐसा लग रहा था, ये देख के मैंने परचेस किया, सेम टू सेम रिसीव हुआ है, क्वालिटी इज रियली गुड। मुझे पहनने सही से नहीं आता है इसीलिए मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, अदरवाइज अगर आप इसको अच्छे से पहनोगे ना तो ये बहुत सही लगेगा, डेफिनेटली गो फॉर इट, अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज सही है। एंड इसका भी जो ब्लाउज मिल जाता है, ये इसका ब्लाउज है और ये साड़ी है, वाओ लुक एट दिस। मैंने इसको अच्छे से स्टाइल भी नहीं किया बट स्टिल ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मुझे अच्छे से पहनना नहीं आता, आप इसको अच्छे से इस्त्री करके स्टाइल करोगे तो बहुत सही लगेगा, डेफिनेटली गो फॉर इट। आई लव द क्वालिटी मटेरियल यू गाइस कैन सी, पर इसका एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि इसके प्रिंट के पीछे साइड है ना, पीछे साइड ऐसा थ्रेड निकला हुआ है, तो या मतलब वैसे ही इसका कुछ वर्क है तो सेफ्टी पिन है, ये जो गोल्डन दिख रहा है ना ये ऐसा निकलता रहता है, तो अगर सेफ्टी पिन आप ज़्यादा कुछ चुबाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा करके निकल जाएगा, तो दैट वोंट लुक गुड, बट प्राइस के हिसाब से बहुत सही है। इसके यहाँ साइड में भी आपको कुछ वर्क करवाना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा है, इसकी साइड की डिटेलिंग कुछ ऐसी आ जाती है, वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, पर या कीप दैट थिंग इन माइंड। बाकी ओवरऑल इट्स वेरी ब्यूटिफुल, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा लास्ट सबसे फेवरेट और सबसे सस्ता, पूरे हॉल में मैंने नहीं दिखाया, सबसे ज़्यादा सस्ता साड़ी मैंने परचेस किया, ये लाइक्रा साड़ी है, ये देख के मैंने परचेस किया था एंड वाओ गाइस ये 200 समथिंग का पड़ गया एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब अंडर 300 रुपीज़ इतनी अच्छी साड़ी कैसे आ सकती है, तो मैंने ये परचेस किया एंड दिस इज वॉट वी रिसीव्ड। यू गाइस कैन सी दिस, ओ माई गॉड ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम शिमरी शिमरी, बेस्ट फॉर पार्टी वेडिंग फेयरवेल कहीं भी आप पहन सकते हो एंड आई एम इन लव विद इट, मतलब कितना सही है यार, बहुत प्यारा लगा मुझे। इसके साथ में कोई मुझे ब्लाउज पीस नहीं आया है, आई डोंट नो वाई, पर या आई एम ओके विद इट कि चलो कोई बात नहीं, नहीं भी आया तो इट्स ओके, बिकॉज या मैं इसको अपने, मेरे पास एक ब्लैक कलर का ब्लाउज था तो मैंने उसके साथ में इसको पेयर किया एंड लुक एट इट कितना प्यारा लग रहा है, ये लाइक्रा मटेरियल है, इतना शियर सा मटेरियल, इतना सॉफ्ट है, इफ यू आर समवन हु लव्स वेयरिंग टी शर्ट वाओ यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, ये बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग है, आप जैसे रखोगे वैसे ही रहेगा, यू डोंट नीड एनी पिन विद दिस, कोई आपको सेफ्टी पिन से बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स टू गुड यू गाइस कैन सी कितना ही कोई ज़्यादा फ्लोई है। आई लव द क्वालिटी इज अमेजिंग, मतलब कुछ लोगों को थोड़ा कंसर्न होगा इफ दे डोंट वॉन्ट वेरी बॉडी हगिंग, तो यू गाइस कैन गो फॉर डिफरेंट वन, पर ये बहुत ज़्यादा सही है, मुझे तो भाई बहुत सही लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कैसा लगा एंड यू कैन गो विद डिफरेंट ब्लाउज ऑप्शन। मैंने तो बस मुझे ब्लैक हर किसी के साथ जाता है तो मैंने ब्लैक के साथ मैं पैर कर लिए, बहुत मेहनत की मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए, मैं रात को 3:30 बजे ये सारे वीडियोस शूट कर रही थी, तो प्लीज़ शो लॉट्स ऑफ लव एंड आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाइंड इट रियली रियली हेल्पफुल। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। Now let's meet in my next video. तब तक के लिए ये वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, if you guys show a lot of love तो मैं ऐसे ही वीडियो एक और लेके आऊँगी, एकदम पूरा ही डिटेल में आपको साड़ी हॉल दिखाऊंगी, तो या प्लीज़ लेट मी नो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नो हेट कमेंट प्लीज़, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।